बॉयकॉट महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड बॉयकॉट महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड, मतलब थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगा के देखोगे ये सही भी है एक तरीके से, एक तरीके से गलत भी है। अगर आप भी स्कॉर्पियो एंड के लवर हो या बुकर हो और आपने बुक कराई अपनी गाड़ी और आप थोड़े से नर्वस हो डिलीवरी डेट को लेके या महिंद्रा का डिसीजन सुन के, और मैं थोड़े से अपडेट लूँ आप लोग के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो आपके लिए बहुत इंजॉयबल और हेल्पफुल होने वाली है, आपका थोड़ा मोटा कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। चैनल बने हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मैं स्कॉर्पियो एंड का अपडेट लाता रहता हूं। तो बात करते हैं आपको गाड़ी कब तक मिलेगी। अगर आपका डेट नवंबर या दिसंबर 2023 आ रहा है तो आपको गाड़ी एक दो मंथ पहले ही देखने को मिल जाएगी। मैं डिलीवरी डेट के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, एडिट बटन में जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, गाड़ी आपको एक दो मंथ पहले ही मिल जाएगी। इसका रीजन मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले हम महिंद्रा की स्ट्रेटजी समझते हैं। महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो एंड का जो प्रोजेक्ट था, तो मे भी आप लोग जानते हो कि नहीं जानते, 2017 के पहले से ही वो अपना प्लान बना चुका था स्कॉर्पियो एंड आने वाली नई जनरेशन। हमेशा पुरानी स्कॉर्पियो ही को लोगों तो वही रहता था, न्यू फेसलिफ्ट करके चेंज कर दिया जाता था। तो बहुत लोग के मन में था कि स्कॉर्पियो कब अपडेट हो गया आएगा, स्कॉर्पियो कब अपडेट हो गया आएगा, और किसी को नहीं पता था इतना बिग अपडेट होगा। तो उतना लोग ध्यान नहीं दे रहे थे 2018 में, 2019 में, इवन 2020 में लोगों को पता लगा, लीक्स मिली कि स्कॉर्पियो एन आने वाला है। और तभी भी भाई आप ही वो लोग थे जिनको वो लुक भी पसंद नहीं आ रहा था। बहुत सारे लोग इससे एग्री करेंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जब स्कॉर्पियो एन का आपको टीजर देखने को नहीं मिला था, रोड मूव थे, थोड़े मोड़े लीक्स और टेस्टिंग चल रही थी, तो बहुत सारे लोग थे जिनको कोई लुक पसंद नहीं आता। हालांकि अभी भी लोग को पुरानी स्कॉर्पियो के लुक्स पसंद है, पर नई वाली की तो बात ही अलग है। मतलब उसका तो अभी क्रेज इतना ज़्यादा हो गया, मतलब आप सभी, मैं खुद भी, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है स्कॉर्पियो एंड नई वाली, खासकर ब्लैक कलर तो जवाब ही नहीं उसका। तो वही चीज को साइड में रखते हुए देखा जाए तो स्कॉर्पियो एन का प्रोजेक्ट बहुत पहले से चालू किया, तो महिंद्रा कोई प्री प्लान करके तो बनाया था और उसको सही तरीके से लॉन्च नहीं कर पाया। महिंद्रा ने खुद बोला कि वो 25,000 को अपने 10 मंथ में डिलीवरी करेगा। मतलब एक तो तुम 1,00,000 के ऊपर तुम्हारी बुकिंग हो गई है, ऊपर से 25,000 जो 1 मिनट के अंदर ही हो गई, मतलब इतना सांस लेने का टाइम देता भाई, उसके बाद तुम उसको 10 मंथ का टाइम और डिले दे रहे हो। और ZL वालों को ये फायदा हो रहा है, बाकी वेरिएंट जो बुक करा उनको देर से मिल रही है, और कुछ कुछ वेरिएंट है जिनको जल्दी मिल भी जा रहा है 25,000 में, और ZL वालों को पहले प्रायोरिटी दे रही है, पर जो ZL में नहीं है उनको भी पहले डिलीवरी मिल जा रहा है 2022 में। तो ये तो गलत है। अगर 25,000 बुकिंग हुई थी स्कॉर्पियो एन की और उसमें जितने भी वेरिएंट थे तो पहले उनको निपटाना था, उसके बाद 26,000 से जो बुकिंग 1,00,000 के पार जितनी भी गई उनको देखना था, तो महिंद्रा का थोड़ी स्ट्रेटजी ठीक रहता और लोग को बुरा भी नहीं लगता। पर महिंद्रा क्या किया, जो मस्त लग्जरी वेरिएंट बुक कराएगा जिसके पास पैसा है उसको हम गाड़ी जल्दी दे रहे हैं, बाकी को नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप भी उनमें से, तो आप कमेंट सेक्शन करके जरूर बताना कि आपका डिलीवरी डेट क्या है। तो महिंद्रा की तरफ से तो ये रॉन्ग है। तो इस चक्कर में जितने भी कस्टमर है स्कॉर्पियो एन के जो बुक कराने का सोच रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। अब बात करते हैं ऐसे कस्टमर की, कुछ लोग को गाड़ी के बारे में उतना नॉलेज नहीं रहता है और उनको नहीं पता रहता मार्केट में कौन सी गाड़ी आने वाली, क्या नहीं आने, कुछ अपडेट नहीं रहता है। तो वो अगर शोरूम जाता है, उसको पता चलता है वहाँ स्कॉर्पियो एन करके कोई गाड़ी आई है, और वो चाहेगा बेचारा कि आज वो बुक करा ले, या जब गाड़ी लॉन्च हुई उसके 1 महीने बाद, तो उस पर क्या बीतेगी, मतलब आज मैं बुक कराऊंगा तो मुझे गाड़ी 2025 में देखने को मिलेगी। तो टोटली रॉन्ग है। मतलब जो अपडेट रहेगा, जो नॉलेज, मतलब जो गूगल में एक्टिव रहेगा, उसको पता रहेगा स्कॉर्पियो लॉन्च होने वाली है, 1 मिनट के अंदर बुकिंग कराएंगे तो जाके मिलेगा। तो महिंद्रा ये सब टोटल गलत कर रहा है। महिंद्रा को प्रायोरिटी उसके वेरिएंट हिसाब से देनी चाहिए थी और अपना प्रोडक्शन को पहले उसको इंक्रीज करना था, और स्कॉर्पियो उनको बना के रख देना चाहिए था, उसके बाद वो ऐसा करता। क्योंकि SUV 700 केस में जब ऐसा हो गया तो उसको स्कॉर्पियो के साथ ऐसा नहीं करना था। अभी वो SUV 400 भी लॉन्च करने वाला, फिर वो इलेक्ट्रिक भी लॉन्च करेगा 2024 में। मतलब जब आपको डिलीवरी मिलेगी तब उसकी इलेक्ट्रिक EV लॉन्च हो जाएगी, उसकी बुकिंग चल जाएगी, और अगले साल 2023 में उसकी नेक्स्ट 5-door थार आने वाली। मतलब महिंद्रा पूरा अपने खुद में उलझ चुका है। और महिंद्रा क्या बोला था, वो प्राइस प्रोटेक्शन का वादा किया था, ना कि वो अर्ली डिलीवरी का वादा किया था। तो बहुत लोग के मन में ऐसा कंफ्यूजन था कि महिंद्रा गलत कर रहा, तो महिंद्रा की भी इसमें कोई गलती नहीं है। उसने तो साफ बोला था कि वो प्राइस प्रोटेक्शन देगा इंट्रोडक्टरी प्राइस वाले को, जिसकी 25,000 बुकिंग है, उनको गाड़ी कभी मिले उनको वही प्राइस में देखने को मिलेगी। अगर 20,00,000 है तो 20,00,000 ही होगा, पर बाकी लोग का तो इसमें लॉस हो गया ना, मतलब कि डिसअपॉइंटमेंट तो बात है, पर महिंद्रा की भी इसमें गलती नहीं है। तो और इंडियन में लोग ऐसे हैं कि वो कोई और अदर SUV को अब देखना नहीं चाह रहे। एक बार वो स्कॉर्पियो एन देख लिया उस प्राइस रेंज में, अब उनको और कोई SUV अच्छी नहीं लगी। भाई ऐसा नहीं है, तुम जब तक गाड़ी लोगे तब तक ये गाड़ी स्कॉर्पियो एन उस वैल्यू फॉर मनी लाइक नहीं रहेगी, और तब तक मार्केट में और SUV आ भी जाएगी। और बेसिकली सही बात है, मार्केट में और कोई SUV है भी नहीं जिसमें हम भरोसा कर सके। टाटा हैरियर भी हम ले सकते, वो भी एक अच्छी SUV, पर बहुत सारे फॉल्ट और प्रॉब्लम उसमें भी आते हैं। पूरा कंप्लीट पैकेज देखा जाए तो स्कॉर्पियो एन का Z6 वेरियंट और Z8 वेरियंट में हमको देखने को मिलेगा, और बहुत सारी बुकिंग भी उसी लिए हुई है। तो कोई सेंस नहीं बनता अगर ऐसा करने का। आपने अगर 25,000 बुकिंग कराई है तो आपका डिसीजन बहुत अच्छा है, और आपको गाड़ी अगर 2023 तक मिल जा रही है तो भी ले देके आप सहल हो गए, और ये भी डिसीजन ठीक है।
पर अगर आप अभी सोच रहे हो बुक कराने का या आपका डेट 2024 आ गया तो भाई कोई भी सेंस नहीं बनता। अगर गाड़ी पे एक महीने में 1% टैक्स भी लग रहा है ना तो उसका बहुत मैसिव इंपैक्ट पड़ेगा गाड़ी में, तो आपका गाड़ी 2024 में बहुत हाई अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा वही गाड़ी जो आप बुक कराओ। तो कंक्लूजन यही निकल के आता है, अगर आपके पास कोई सेकेंडरी गाड़ी है तो आप देख सकते हैं, पर मार्केट में बहुत गाड़ी है जो स्कॉर्पियो से बेटर है, बस आपको देखने की देरी है, आप देख नहीं रहे हो, आप स्कॉर्पियो के पीछे पागल हो चुके हो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। तो वही था स्कॉर्पियो के बारे में, और आपको स्कॉर्पियो के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आने वाली है मेरे चैनल पर, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।